देखिए, जम्मू प्रांत की अनदेखी की बातें हम सब करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन जम्मू के साथ अन्याय, भेदभाव, ज्यादती जो है वो लगातार जारी है। क्यों ना हम 2021 का जो साल है वो जम्मू के काज के लिए डेडिकेट करें। मेरी तमाम संस्थाओं से ये अपील होगी, जिस तरीके से जम्मू नज़रअंदाज किया जा रहा है, आज भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में लद्दाख को और कश्मीर को पैम्पर किया जा रहा है और लगातार जो है उनकी ही पैम्परिंग हो रही है। अभी हाल ही में होम मिनिस्टर द्वारा एक बार फिर से इनविटेशन दिया गया है लद्दाख की लीडरशिप को कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक डेलीगेशन जो है वो होम मिनिस्टर से मिल रहा है, जिसमें चर्चा की जा रही है लद्दाख को स्पेशल पैकेज देने की, वहाँ की ज़मीनें और वहाँ के जॉब्स को बचाने की बात की जा रही है, वहाँ सिक्स शेड्यूल में लाने की लद्दाख को बात की जा रही है, ट्राइबल एरिया पूरे का पूरा लद्दाख डिक्लेयर करने की बात की जा रही है, पूरे लद्दाख को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से कश्मीर के लिए भी एक के बाद एक ऐलान हो रहे हैं। 370 हटने के बाद वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी टीम्स गई, उन्होंने वहाँ प्रोफेशनल कॉलेज खोलने की बात कही, एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात कही, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम वहाँ फौरी तौर पर लागू की गई और नेफेड के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करके वहाँ का सेब, वहाँ का अखरोट, वहाँ का जो सैफरन है उसको खरीदा गया। लेकिन यहाँ के किसानों की भी अनदेखी हो रही, यहाँ के नौजवानों की अनदेखी हो रही, यहाँ के आम नागरिक की अनदेखी हो रही है, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के मुतालबे हल होना तो दूर की बात है, कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं। कश्मीर के नेताओं को भी प्रधानमंत्री महोदय जो है वो बुलावा भेजते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन जम्मू के लीडरशिप के साथ कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कभी नहीं सुना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से न्योता दिया गया हो कि आप जम्मू के जो मुश्किलें हैं, जम्मू के जो समस्याएँ हैं उनको लेकर आइए, उनका समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। जम्मू के ऊपर लगातार फैसले थोपे जाते हैं, जम्मू के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। टोल प्लाजा के ऊपर टोल प्लाजा लगाए जाते हैं, 4G बगैर किसी वजह के हमसे छीन लिया जाता है, स्टेट तक हमारी छीन ली गई, और जो कुर्बानियाँ डोगरों ने स्टेट को बनाने के लिए दी थी उनको भी नज़रअंदाज किया गया। यहाँ तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और कश्मीर की और लद्दाख की पैम्परिंग जो है वो बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की भी हुकूमत में जम्मू के लोगों को इकट्ठा होना होगा और मिलजुल कर संघर्ष करना होगा। तो मेरी ये अपील है तमाम बुद्धिजीवियों से, सिविल सोसाइटी से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कि अपना एक साल जम्मू की खातिर दे दीजिए। लेट अस डेडिकेट द ईयर 2021 फॉर द कॉज ऑफ जम्मू रीजन। दैट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू रीजन एंड ऑल सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हम मिलजुल कर संघर्ष कर सकें और जम्मू की इस धरती को न्याय दिला सकें।